न्यूनतम वेतन कितना हो, न्यूनतम वेतन कितना हो, तारीख को क्या होगा, काम होगा, तारीख को क्या होगा। साहिबाबाद रेडियंट पॉलीमर्स में काम करते हैं और हमें करीब 25 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, 97 से कर रहे हैं और अभी तक हमारी तनख्वाह जो है 12,000 रुपये है। अब 12,000 रुपये में चार आदमियों का, पांच आदमियों का परिवार पालना तो मुश्किल हो जाता है, इससे बहुत मुश्किल से गुजारा करना पड़ता है। कभी कोई बीमार पड़ गया तो उसके लिए इलाज के लिए भी पैसे नहीं हो पाते हैं। 7,000 मिलता है वेतन 12 घंटे का। हाँ, तो हम तो ये सोचते हैं कि महिलाओं के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो जेंट्स के साथ होता है, ये भेदभाव बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं डिप्लोमा करने के बाद बहुत उम्मीद के साथ इंडस्ट्री में काम करने आया था कि मैं पैसे कमा के कुछ आगे की पढ़ाई, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड डिप्लोमा करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद चले गए, दिल्ली चले गए, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एकदम से तैयारी करूँ। तो मैं सोचा कि इंडस्ट्री में काम करके जॉब करके पैसे कमाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं तैयारी करूंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता चला कि हमें तो 12 घंटे की जॉब करनी पड़ी, तैयारी करने के लिए कोई टाइम नहीं बचा, ना ऐसा पैसा भी मिला कि मैं कोई अलग से इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ या ऐसे। लेकिन मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ अभी भी, मतलब तैयारी करना मैं छोड़ा नहीं। मैं चेकिंग का काम करती हूँ, वो मतलब पीस गाड़ी पर लगता है, मतलब मारुति में हुंडा में लगता है पीस। हाँ, मतलब चेक इन करती हूँ, 9 साल से कर रही हूँ काम रेडियन पॉलीमर्स में। तो तनख्वाह 7,612 घंटे की, तो उसी में पीएफ काटता है, पीएफ ऐसे ही काट के मिलता है 6,400। और मेरी माँ मरी, उसकी 13वीं के लिए भी इन लोगों ने पैसे करके मेरे को दिए। ये सारे वर्कर खड़े हैं, पूछ लो इन्होंने, तो ऐसा बताओ कैसे चलेगा। 6,000 रुपये की तनख्वाह, और बच्चे भी मेरे जो जब जवान हो रहे बेचारे, ये दो बच्चे हैं, दो बच्चे ख़त्म हो गए, एक लड़की है, लड़की की शादी के लिए 14-15 साल की होगी, 2-4 साल बाद, मतलब 19-20 साल में मेरे को नहीं लगता कि मैं शादी ढंग से कर पाऊँगा। इस हिसाब से मुझे 4 साल ड्यूटी करत, मैं करती हूँ होंडा गैस चेकिंग करती हूँ, माल के रिजेक्ट करती हूँ, छाटती हूँ, मार्किंग लगाती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा पति एकदम बीमार रहता है, मैं सोचती कुछ 3 बच्चे भी कैसे पढ़ाऊँ, मैं कैसे देखूँ, घर भी भेजना पड़ता है, सास ससुर देखना पड़ता है, खेती बाड़ी देखना पड़ता है, इसमें पढ़ी हूँ, पैसा बढ़ जाएगा, मैं किसी कहीं गई ना, मैं इसी लालच में पढ़ी हूँ, मैं नहीं बढ़ता पैसा। 12 घंटा ड्यूटी करती हूँ, 6,000 मिलता है, 6,000 मिलता है 12 घंटा का। यहाँ पर मैंने काम किए हुए आज 19 साल हो गया, 19 साल में से मेरे को काट पीट के मिलता है 11,000 रुपये, और मेरा कोई गुजारा हो नहीं पा रहा है। कम से कम मुझे वेतन चाहिए था कम से कम 20-25,000 रुपये, और काम तो हम 24 घंटे करते हैं, अभी डबल भी कराते हैं, जब ड्यूटी करने के बाद आवर ड्यूटी लगाते हैं उसके में करना पड़ता है, उसकी वजह से गुजारा नहीं हो पाता है, तभी हमें इस सड़क में उतरना पड़ता है। वेस्ट इंडीज एरिया में जितने भी यहाँ पे मजदूर वर्ग जो लोग काम करते हैं, यहाँ इनका इतना शोषण हो रहा है कि सैलरी तो बताते हैं कि मैं 7,000 दे रहा हूँ, 8,000 दे रहा हूँ, 9,000 दे रहा हूँ, मगर उनको ये देते नहीं है। इनको 5,000-6,000 12 घंटे की ड्यूटी करवाने के बावजूद 5,000-6,000 दे रहे हैं। देखिए, मैंने तो अभी ज्वाइनिंग किया है, लेकिन हमारे साथ और भी लोग हैं जो नए नए पीढ़ी के नए नए लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन उनकी भी यही उम्मीद है कि अगर हम कुछ थोड़ा बहुत आगे बढ़ें, कुछ हमें गवर्नमेंट की तरफ से सहायता और ये मिले, हमारा जितना न्यूनतम वेजन है न्यूनतम वेज मिले, इसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ के आगे चलें, अपने बच्चों को आगे अपने परिवार को बढ़ाया जाए, सैलरी बढ़ जाए, ठेकेदार खत्म हो जाए, समझ लो सबकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। जितने वर्कर हैं, जितने भी पब्लिक है, सबकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, ठेकेदार खत्म हो जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट है ये खत्म हो जाए बस। सर, मैं तो मोदी जी को यही बोलना चाहता हूँ कि एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट हट जाए, जो ये कॉन्ट्रैक्ट पे जो बेस पर रखे जाते हैं आदमी, इनको हटाना ज़रूरी है, और दूसरा जो तनख्वाह जो सही हिसाब से जो वर्कर की जो लग रही है
वे तनख्वाह मिल जाने चाहिए। उम्मीद लेके आई हूँ कि परमानेंट हो जाऊँ, मतलब थोड़ा सैलरी बढ़े, वही उम्मीद लेके आई हूँ। बच्चे भी पढ़ाना है, इतना दूर से आए हम, आसम से यहाँ दिल्ली आए कमाने के लिए, तो दो पैसा होगा बोल के आए। कितना हो? 18,000 जैसे हो। हमारा वेतन कितना हो? 18,000 जैसे हो।